हेलो ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स यस स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स यस स्टूडेंट्स दिस इज अ फ्रेश वीडियो ऑन ओसीएम सी इलेवेंथ कॉमर्स ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैंब्जेक्टिव I mean ही है उसके अंदर जो टू पॉइंट है ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक है सोशल ऑब्जेक्टिव सो विदाउट डीलिंग मच दो चैनल काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लेट्स जनरेट और क्रिएट द कॉमर्स ट्यूट फैमिली ऑन दैट ब्यूटिफुल नोट चिल्ड्रन विल बिगिन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव ठीक है न हर बिजनेस का कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव तो जरूर होता है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एक है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स बाय नाव आई थिंक वी आर अवेयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है रिमेम्बर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेफिनेटली अर्निंग प्रॉफिट होता है मॉनेटरी रिटर्न होता है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो वही फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली अंडर दिस द फर्स्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ डेफिनेटली अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कुछ प्रॉफिट्स अर्न करें राइट और जो भी प्रॉफिट्स हम बिजनेस में अर्न करते हैं वो कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी तो होता ही है लेकिन ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जैसे ही कंपनी में या हमारे खुद के बिजनेस में प्रॉफिट्स आ जाते हैं जो हमारा गोल होता है वही पैसे हम फिर से हमारे कंपनी के ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं ठीक है सो डेफिनेटली द फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज प्रॉफिट एवरी वन इज डिटर्माइंड टू अर्न मोर एंड मोर प्रोफिट ठीक है सेकेंड so है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स स्टूडेंट्स हम जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हाउड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड ऑल्सो मेंटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टूडें ऐसा नहीं है कि आज हमने बिजनेस कर दिया आज हमको प्रोफिट्स हो गए तो खत्म हो गया नहीं बिकॉज द कस्टमर बेस्ड जो है हमको न्यू कस्टमर्स ढूंढने पड़ते हैं न्यू सेटिस्फाई कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को मैंटेन करना पड़ता है सो इट इज ऑल अबाउट सर्चिंग न्यू कस्टमर्स जब कस्टमर्स मिलेंगे तभी तो प्रॉफिट मिलेंगे है ना टुडे इफ फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी यू नो कंपनी ले फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो ले विच इज डूइंग अ फेब्यूलस जॉब राइट नाउ तो अगर वो लोग अपने न्यू कस्टमर को ढूंढना बंद कर देंगे तो फिर उनके बिजनेस का क्या होगा एंड नाउ दे आर यू नो दे हैव मोस्टली टेकन द मैक्सिमम मार्केट इज इट जैसे कि हमें पता है कि वोडाफोन भी है आइडिया जो मर्ज हो चुके हैं सो दे हैव डिफरेंट नेटवर्क इज इट तो वहां पे अगर हम सोचे तो वॉट दे डू दे स्टार्ट सर्चिंग न्यू कस्टमर्स आई एम जस्ट टॉकिंग यू नो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वैसे ही कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या सर्विस कंपनी हो या प्रोडक्शन कंपनी एज सच हो एवरीबडी वॉन्ट्स न्यू कस्टमर्स दे वॉन्ट मोर कस्टमर्स इनफैक्ट हम ऐसे पुट थ्रू कर सकते कि दे हैव टू कीप ऑन सर्चिंग न्यू कस्टमर्स क्योंकि जैसे जैसे हमारी कस्टमर बेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रॉफिट्स आते रहेगा और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट रहेंगे तो दे इनकम जनरेट होते रहेगा ठीक है सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में द सेकेंड इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव आता है वो यू हैव टू कीप ऑन सर्चिंग द न्यू कस्टमर्स एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड हर कोई कस्टमर को यू नो जेन्यूनली और पर्माटली बनाने की कोशिश में लगा पड़ा है यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स दो जेन्युन लॉयल कस्टमर्स यू कैन से आज कोई भी हम मार्केट में जाकर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू बाई एनी टूथपेस्ट अगर आप कोलगेट लेते हो या पेप्सोडेंट लेते हो या कोई और लेते हो बिकॉज आप उस क्वालिटी से खुश हो उन कंपनियों ने अपना असर आप पर छोड़ा है सो दैट्स वॉर दे वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स और जो एग्जिस्टिंग लोग है जो ऑलरेडी वो टूथपेस्ट यूज कर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल कोलगेट फॉर दैट मैटर कोलगेट वो कंपनी आपको अच्छा सर्विस दे रही है सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज कंटिन्यूसली सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स ठीक है थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो हमारा आता है वो है इनोवेशन स्टूडेंट्स इनोवेशन इज द नीड ऑफ द आवर आप बोल सकते हो बिकॉज आई जस्ट टेल यू फर्स्ट इट इज अ डेवलपमेंट और अ पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट इन टू इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन डेफिनेटली अगर uh, आपको प्रॉफिट्स चाहिए आपको रिटर्न चाहिए आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी कंपनी तक की टर्न ओवर इंक्रीज हो प्रोडक्शन ज्यादा हो प्रॉफिट्स ज्यादा हो सेल्स ज्यादा हो तो इनोवेशन इज द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिकॉज समथिंग न्यू यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू क्रिएटिव इनोवेटिव इन द प्रोडक्ट इट सेल्फ वो पैकेज हो सकता है ब्रांड हो सकता है क्वालिटी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आइए विच विल रियली चेंज द एंटायर सीनेरियो ऑफ द प्रोडक्ट है ना कंपनीज uh, को अपने जो आर एंड डी दट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना पड़ता है दे वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द पीपल मार्केट में यू नो सर्वे करना पड़ता है न्यू टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है सो so, जब ये सब यूज करेंगे तो डेफिनेटली जहां वो लोग इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे स्पेंड करेंगे ऑन द अदर साइड उनको प्रॉफिट्स तो डेफिनेटली मिलेगा ना सो so, इकोनॉमिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको लेटेस्ट uh, अपडेट के साथ चलना पड़ेगा ट्रेंड देखना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है इट राइट नाउ इफ आई वांट टू गिव यू सम एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि पेप्सी के जो भी uh, उनके स्लोगन्स है वो चेंज हो चुके हैं पेप्सी के जो यू नो बॉटल्स है वो थोड़े बहुत यू नो लिटिल बिट चेंजेस यू कैन सी बिगर बॉटल स्मॉलर बॉटल्स स्लोगन्स चेंज टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिक एन जूस जो पहले यू नो पेपर पैकेट में आता था, था बॉटल में आ रहा है सो दे चेंजेस इनोवेशन इन समथिंग न्यू कुछ नया इम्प्रूवमेंट आप लाओगे तभी यू नो कस्टमर आपसे प्रेरित होगा दे वॉन्ट टू ट्राई इट तो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको देखना है कि मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है आपको सर्वे जैसे मैंने पहले कहा करनी पड़ेगी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इन डिमांड है कैसे कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं कौन सी टेक्नोलॉजी से हम कम समय में ये बना सकते हैं सो यू हैव टू कीप योर यू नो स्टेप ऑन द इनोवेशन सो दैट इज द थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देन द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स डेफिनेटली रिसोर्स कास्ट एंड ऑल्टर यूजेज डेफिनेटली अगर हम जब रिसोर्सेज की बातें करते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो कम है लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव यूज भी हो सकते हैं इज एंट इट सो इकोनॉमिकली देव टू सी दैट यू नो दे बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज दे शुड बी यूज टू द मैक्सिमम एंड शुड अवॉइड वेस्टेजेस हर बिजनेस यही चाहता है कि उनके जो रिसोर्सेज का जो वेस्ट हो वो कम हो कॉस्ट ऑफ

उस वजह से वो लोग अच्छा अपना प्रोडक्ट आई से दे कैन हैंडल द प्रोडक्ट इन सच अ वे सो दैट देर इज लेस वेस्टेजेस ठीक है सो दिज आर द फोर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव ये सोसाइटी के थ्रू है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है उनके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है अगर आप कस्टमर के बारे में सोचोगे तो ही आपके कंपनी को एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा प्रॉफिट्स मिलेंगे डेफिनेटली बिकॉज कस्टमर इज द गॉड यू कैन सी इन बिकॉज कस्टमर इज द पर्सन हु इज हैप्पी विल बाय मोर हु इज़ नॉट हैप्पी विथ योर प्रोडक्ट ही विल नेवर बाय सो इट्स लाइक दैट तो पहले जो सोशल ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट वन इज सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेफिनेटली एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी सेफ्टी ड्यूरेबिलिटी यूटिलिटी एंड मच 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 मोर ठीक है पहली बात तो ये है कि बींग अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं कस्टमर को क्योंकि क्वालिटी इज द किंग यू कैन से अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट कभी नहीं बिकी एम सॉरी बेची जा सकेगी उस रेंज पर जहां पर बहुत सारे प्रॉफिट्स हो क्वालिटी का मतलब क्या है ऑब्वियसली अ गुड क्वालिटी प्योरिटी हो सेफ्टी हो ड्यूरेबिलिटी हो यूटिलिटी हो इन बहुत सारे मुद्दों पर वर्क करने के बाद एक प्रोडक्ट का क्वालिटी हमें दिखता है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फ्रूट जूस तो हम उसमें देखते हैं कि ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर करेक्टली पुट ज्यादा कुछ यू नो अनवांटेड थिंग्स आर नॉट मिक्स्ड इन दैट इजेंट इट सो इन दैट वे वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी हाउस होल्ड अपलायसेज आप उसका सेफ्टी भी देखते हो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वाशिंग मशीन तो आप उसका देखते हो कि सेफ कितना है ड्यूरेबल कितना है उसकी यूटिलिटी कितने हद तक हो सकती है कपड़े क्लियर क्लीन हो सकते हैं यानी सो बेसिकली यू शुड सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट सो दैट द पीपल आर हैप्पी इफ दे आर हैप्पी डेफिनेटली यू विल ऑल्सो भी हैपी बिकॉज ह्यूज प्रॉफिट आर अबाउट टू कम टू यू है ना नेक्स्ट जो है वो है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑब्वियसली इज नथिंग बट ब्लैक मार्केटिंग जैसे मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट हो गया रॉन्ग मेजरमेंट हो गया शुड बी अवॉइडेड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट नाउ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसे हम बता दे कि पहले देर वर सो मेनी फेयरनेस क्रीम राइट सो बिकॉज आई टेल यू ऑल्सो फेयर एंड लवली वॉज द नेम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट अब

दो कंपनीज आर रियल कंपनीज वो ऐसे मिसलिडिंग एडवर्टीजमेंट ना करे बिकॉज देर आर समीपल और यूथ वो फ्लो यू नो जस्ट फ्लो विदवर्टीज रियली फील की हाट इट्स एंड लवली और फेयर एंड लवली और ये ऐसे ही रिजल्ट देगा और अगर रिजल्ट नहीं देगा तो इसके मिस इंटरप्रिटेशन या रोंग रिजल्ट भी हो सकते हैं सो यू कंपनी शुड नॉट

कस्टमर दे डोंट एक्सेप्ट इट और एक बार ये वर्ड ऑफ माउथ फैल जाता है देन द सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट इट ना सो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो कि आप जो बोल रहे हो वही दो सिंपली ऑर टेलिंग समथिंग एंड गिविंग समथिंग विल नॉट मैच सो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड दिस टाइप ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड ये बहुत जरूरी भी है फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस यूनिट ठीक है थर्ड इम्पोर्टेंट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेफिनेटली स्टूडेंट्स जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी इन डेवलपिंग द और यू कैन से बेसिकली जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट है ना बिजनेस इज अ सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली हम सोशली कनेक्टेड है रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिकली वी वॉन्ट प्रॉफिट ऑल्सो सो इट्स इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बिजनेस शुड क्रिएट जॉब्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल डेफिनेटली स्किल्ड जो क्वालिफाइड है जो अनक्वालिफाइड है जो स्किल्ड है अनस्किल्ड है बिजनेस तो वो सबके लिए जॉब्स देती है ना अगर आप मैनेजर हो चेयरमैन हो आप एम्प्लॉई uh, हो वर्कर हो एम्प्लॉई यू नो डिलीवरी बॉय हो यू यू नो आर अ ड्राइवर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी है इट शुड प्रोवाइड और क्रिएट जॉब्स फॉर एवरीबडी यू शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड द दिव्यांग पर्सन मतलब स्पेशली uh, जो यू you नो know, बहुत बिलो द पॉवर्टी लाइन जो होते हैं बैकवर्ड इकोनॉमिकली बहुत पुअर होते हैं या हैंडीकैप uh, होते हैं उनको भी आप यू नो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकते हो सो दैट इवन दे कैन लीड देयर लाइफ विथ कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सो थर्ड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज अ वेरी कनेक्टेड वन क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड अब यू नो द गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग टू मच ऑन स्ट्रेस ऑन बी वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत जहाँ पर आप खुद कुछ शुरू करो आप आपने शुरू कर दिया बहुत सारे ऑन्टरप्रिन जनरेट हो गए स्टार्टअप्स आ गए तो डेफिनेटली हर किसी को काम मिलेगा काम मिलेगा तो उनकी जिंदगी बदलेगी अपॉर्चुनिटी स्पेशली दोज पीपल हु आर यू नो नॉट हैविंग एनी जॉब स्पेशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग जो है उनको किक स्टार्ट मिलेगा यंग पर्सन को भी काम मिलेगा दे विल बी कॉन्फिडेंट इन देयर लाइफ सो ज द इम्पॉर्टेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइजली स्टूडेंट ये सोशल ऑब्जेक्टिव है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी है ना हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ओनली स्किल्ड आर देर और सारे तो अनस्किल्ड तो डेफिनेटली नहीं है बट बोथ आर पार्ट ऑफ द सोसायटी सो इफ एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ एम्प्लॉय प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ इट ब्रिंगेयर टू द सोसाइटी है ना अगर एम्प्लॉज को ठीक से यू you नो know, काम मिल रहा है वो लोग पैसे कमा रहे हैं उनके सारे जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहे हैं उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग्स वेलफेयर टू द सोसाइटी ओनली क्योंकि हम किसी एक को अगर सोसाइटी में एजुकेट करेंगे तो पूरी सोसाइटी एजुकेटिव हो जाएगी अगर एक थोड़े लोगों को कुछ काम मिलेगा तो पूरी सोसाइटी यू you नो know, बहुत ग्रोथ कर जाएगी दिस कैन बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनोरेशन उनको एक अच्छी खासी सैलरी मिले वेजेस मिले सैलरीज मिले रेम्यूनोरेशन मिले उनको एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हो बी गिवन प्रॉपर प्लेस वेंटिलेटर हो वाटर फैसिलिटी हो कैंटीन फैसिलिटी हो इंसेंटिव मिले बोनस मिले सो देर शुड बी गिवन सच वर्किंग कंडीशन उनको मशीन्स की ट्रेनिंग दी जाए मैनुअली अगर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो इम पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज उनको हो उनके ऊपर पी एफ मिले उनको प्रोविडेंट फंड मिले एक्स्ट्रा बोनस मिले देर शुड बी सम क्लेम इंश्योरेंस कवर मिले पॉलिसीज हो एज आईट व्यू ऑफरिंग इंसेंटिव सो जब हम ऐसा कोई काम एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं हु इज बिलोंगिंग टू द सोसाइटी डेफिनेटली सोसाइटी तो वेलफेयर होगी ना एंड ऑटोमेटिकली वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज बाई डिफॉल्ट हो जाएगा सो द पर्सन इज ऑल्सो हैप्पी इन द सोसायटी इज ऑल्सो ग्रोइंग सो वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है देन नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम वी आर ऑल अवेयर चिल्ड्रन दैट ड्यू टू रेपिड इंडस्ट्रियाजेशन बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो आ गए हैं और अब इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग मोर राइट तो बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं इन टू इन टू लाइक

ट दे सारी चीजें एकदम से खत्म तो नहीं हो सकती बट इफ दिन डाउन द पोलूश बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के वजह से यू नो देव टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड फ्रॉम वन प्लेस टूर बहुत सारे अनवॉन्टेड केमिकल्स इन द एय जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट होता है लोग रहते हैं टू वेवर दे लीव ऑब्वियसली वहां पर uh, जो भी यू you नो know, द अनवॉन्टेड स्टाफ दे थ्रो इट उसके लिए भी प्रॉब्लम्स होती है सो बिजनेस शुड ऑल्सो ट्राई टू उनके लिए एक अच्छा सा क्वार्ट बनाए जो वर्कर्स है वेरी नियर टू दिन गिव यू नो द ट्रांसपोर्टेशन शुड बी इन सच अ वे दैट यू नो पोल्यूशन इज लेस उनको भी अच्छा फेसिलिटी मिले सो ओवरऑल डेफिनेटली अगर सोशल uh, ऑब्जेक्टिव अगर हम कंसिडर करें सो इट शुड बी दैट

सोसाइटीज वहां लोग रहने भी आते हैं सो so, जैसे जैसे ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनते हैं तो डेफिनेटली वहां पर ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं सो दे शुड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स टू मैक्स ठीक है देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आई थिंक दिस इज द लास्ट वन या नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी Uh, business house should take care of the general welfare of the society for that uh, they should give donation for good cause, offering scholarship for higher education. I think most of the companies should do this, and some are still doing key uh unka jo bhi company hai, unka, you know they just donate give donations for the good cause, which is helpful for the people in the society okay welfare ke because see when you earn enough, then definitely uh, you want to contribute.

सो दैट दे कैन ऑल्सो एम एट स्टडिंग हैंड टेकिंग हायर एडुकेशन ऐसा होता है ड्यू टू रिक्वायर्ड फाइनेंस पीपल आर नॉट एबल टू गेट दैट एडुकेशन है ना तो कंपनी में काम करने वालों के लिए उनके लिए नो दे शुड गिव सम स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन हुर वर्किंग इन दिस कंपनी ऐसे अगर वो स्कीम्स लेकर आएंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी इंश्योरेंस कवर दे या उनके बच्चों के लिए